आज हम उदयपुर लोकसभा क्षेत्र के हम साइला के भानपुरा गांव आए हुए हैं। यहां पर जानेंगे ये राजनीतिक भौगोलिक स्थिति क्या है। तो आज हमारे साथ हैं राणु सिंह जी राणावत, सेवानिवृत्त आर्मी से हैं। तो भौगोलिक स्थिति क्या है हम जानने की कोशिश करेंगे। तब अब ये लोकसभा चुनाव है और यहाँ पर कांग्रेस और भाजपा में सीधा मुकाबला हो रहा है और दोनों ही जो प्रत्याशी हैं वो दोनों ही सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। तो ऐसे में आप तो ये बताइए कि इस भौगोलिक स्थिति चुनावी जो लोकसभा की क्या है। इसमें सर अधिकतर कैंडिडेट के ऊपर देखा जाए, कैंडिडेट जैसे तारा सिंह जो मीणा है वो यहाँ कलेक्टर भी रहे हुए हैं, उनका वर्चस्व भी उनका अच्छा है। तो आपका ये जो भानपुरा गांव है इसकी क्या आबादी, कितनी आबादी है यहाँ पर? तकरीबन 5,000। किसकी जाति वर्ग के लोग रहते हैं इसमें? भील की मेजोरिटी ज़्यादा है और राजपूत कम है, उसके भील के बाद में राजपूत। तो भील की मेजोरिटी ज़्यादा है, तो ये भील का जो समाज है किस ओर रुख कर सकती है? ये उनका MLA उन भीलों का है, प्रतापारा भील, तो हो सकता है इनका उस जाति पे झुका हो। नहीं, ये किस ओर जा सकते हैं? ये इसमें कोई कंपलसरी नहीं है कि सब उधर ही जाए, वो कैंडिडेट के ऊपर निर्भर। तो अन्य जो जाति है जैसे राजपूत हैं और ब्राह्मण भी हैं, तो ये इनका क्या रुख रहेगा? इनका झुक तो वैसे ताराचंद जी के ऊपर ही रहेगा। अच्छा, तो ताराचंद जी का आपका मानना है कि काफ़ी यहाँ पर थोड़ा वर्चस्व है? वर्चस्व है, यहाँ पर कलेक्टर रहे होंगे, जनता का बहुत काम किया है और अच्छी तरह से उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाई। तो ये थे हमारे साथ राणु सिंह जी राणावत। इनका कहना है कि ताराचंद जी ने यहाँ पे अच्छे काम किए हैं कलेक्टर पद पर रहते हुए, और उनका यहाँ पे जो क्षेत्र की जो जनता है काफ़ी हद तक उनके वोट चुकाव रहेगा। आज बस इतना ही, फिर आगे भी।